हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी का महात्म्य। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में वर्णित किया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे भगवन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भवसागर से मुक्ति पाता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ। अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर शिवजी के अनन्य भक्त थे। हेम नाम का यक्ष उनका माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी और यक्ष हेम विशालाक्षी पर बहुत आसक्त था। मानस सरोवर के सुंदर फूल इकट्ठा करके वह फूल हेम कुबेर को देता था। कुबेर उन सुंदर फूलों का उपयोग शिवजी के उपासना हेतु करते थे। एक दिन हेम ने सुंदर फूल इकट्ठा किए, पर वह कुबेर को न देकर ही अपने पत्नी के प्रेम के कारण घर में रखे उसके साथ ही रहा। फूलों के अभाव के कारण ही पूजा संपन्न न हो सकी। 6 घंटे प्रतीक्षा के पश्चात कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने एक सैनिक को माली के पास भेजा। हेम माली के पास से लौटते ही कुबेर को उस सैनिक ने कहा, हेम माली घर में अपनी पत्नी का संग कर रहा है। ये सुनने के पश्चात कुबेर ने हेम माली को अपने पास लाने का आदेश दिया। अपनी भूल को जानकर हेम ने कुबेर के सामने आते ही साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा रहा। क्रोधित कुबेर ने उसे कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। ये केवल तुम्हारे इंद्रियों भोग के कारण हुआ, इसीलिए तुम्हें कोढ़ हो यह मैं शाप देता हूँ, जिससे इसके आगे तुम अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहोगे। मूर्ख, फौरन इस जगह से निकल जाओ। कुबेर के इस शाप से हेम माली का अलकापुरी से पतन होकर इस मृत्युलोक में जन्म हुआ। थोड़े काल बाद उसे कोढ़ हुआ। उस दुख से वह परेशान था। भूख, प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन उसने इसी तरह गुजारे। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता तो रात को उसे निद्रा नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाले। पिछले जन्म में शिवजी की उपासना के सहायता करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। भ्रमण करते करते एक दिन वह मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां पर उसने महान तपस्वी मार्कंडेय जी को देखा, जिनकी आयु 7 कल्प है। उन्हें देखकर दूर से ही उसने अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया तो दयावान करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग हुआ है? ये सुनने के पश्चात हेम माली ने सभी वृत्तांत उन्हें कहा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन मुझे हुए हैं। कृपया करके पाप मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताइए। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है उस व्रत का पालन तुम करो। ऐसा करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेम माली ने उस व्रत का कठोरता से पालन किया और कोढ़ मुक्त होकर अलकापुरी को लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद में रहने लगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल इस एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। हरे कृष्णा।